नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटेक गीक्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने ही कंप्यूटर पे इजीली इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। हम अपनी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, अपने पोस्ट को हम शेयर कर सकते हैं, और जो भी हम एक नॉर्मली इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम अपने एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप पे करते हैं, वो सारे काम हम आज अपने कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम मेनली सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर ही चलता है, या हम कहें कि सिर्फ हमारे मोबाइल पर ही चलता है, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम मतलब कंप्यूटर स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं सिंपल बस एक लाइक कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ बस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बस उसको थोड़ा शेयर कर सकता हूँ, शेयर टू फेसबुक मैसेंजर, जहाँ पे हमें अगर से शेयर करना है। तो आखिर अगर हम क्रोम ब्राउजर पे चला रहे हैं, हम यहाँ पे मेनली क्रोम ब्राउजर पे काम करेंगे, तो क्रोम से हम डायरेक्टली अपनी फोटोज या अपनी पिक्स कैसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और ये पूरा प्रोसेस देखते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा हम इंस्टाग्राम को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुला हुआ है। और अब अगर मुझको यहाँ पे कुछ भी चीज़ बेसिकली क्या चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अपना क्रोम पे जाऊँगा और यहाँ पे instagram.com डालूँगा, और जो भी मुझे अपना इंस्टाग्राम अगर चलाना है मैं यहाँ पे चला लूँगा। लेकिन मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से फोटो अपलोड कैसे करूँ, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से जो भी मुझे अगर पोस्ट शेयर करनी है, मैं पोस्ट शेयर कैसे करूँ। तो दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड है, इसे देखते रहिए। और हाँ, याद रखिए कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं, जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, तो वो सामने आपको एक नोटिफिकेशन मिले, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पर जाना है और यहाँ पे मोर टूल्स में जा सकते, डेवलपर टूल्स में जा सकते हैं, या फिर हम सिंपल F12 दबा सकते हैं। और F12 जब आएगा तो ये हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट शो करेगा, या फिर हम यहाँ पे जाएं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जो हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो शो करेगा, हमारा एक अलग से विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे जाना है, मोर टूल्स में जाना है एंड नेटवर्क कंडीशंस के पास। जब आप नेटवर्क कंडीशंस पर जाएंगे तो आपके पास एक यूजर एजेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूजर एजेंट ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, इसको आप अनचेक कर दीजिए और अपने ऑप्शन में जाके क्रोम एंड्रॉयड मोबाइल पे आके टिक कर दीजिए। बस आपको इतना सा एक छोटा सा काम करना है और फिर वापस यहाँ पे इंस्टाग्राम की विंडो पर आप क्लिक करके इस पेज को आप रिफ्रेश करिए। अब जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम एक मोबाइल की तरह, जैसे हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं, सेम वैसे ही आपका इंस्टाग्राम खुलेगा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट का जो हमारा विंडो है मैं उसको बंद कर देता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे होम बटन, यहाँ पे सर्च बार, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे हार्ट लाइक या लाइक बटन, और यहाँ पे हमारा प्रोफाइल बटन आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम बहुत सिंपल तरीके से, मतलब हम अपने क्रोम ब्राउजर से ही अपने इमेजेस को, अपनी चीजों को बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है हमको यहाँ पे, जो एक नॉर्मल जैसे हम अपने कंप्यूटर पर, अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर चलाते हैं इंस्टाग्राम, वैसे भी हम यहाँ पर चला सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे, मुझको अगर कोई भी इमेज या पोस्ट शेयर करनी है, यहाँ पर मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, और जैसे कि हम मान लेते हैं कि मुझे कोई इमेज अपनी यहाँ पे शेयर करनी है, मैं सिलेक्ट करूँगा उस इमेज को, यहाँ पे इसकी स्टाइल क्रिएट करने के ऑप्शन आएगा, फोटो वो अपलोड होगी। अब जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा वो इमेज
सामने आ गया जो मैंने सिलेक्ट करी थी। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूंगा। मुझे कुछ अगर एडिट करना होगा तो मैं जैसे हम मोबाइल में हम नॉर्मली एडिट करते हैं, मैं सेम वैसे ही एडिट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अभी कुछ एडिट नहीं करना, तो मैंने नेक्स्ट किया। मैं अपने यहाँ पे कुछ भी कैप्शन लिख सकता हूँ, जो हम नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं कि हेलो दिस इज अ डेमो ओ सिंपल। और मैं यहाँ पे आके शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको नीचे आप कमेंट करिए कि क्या आपको ये ट्रिक में कुछ मजा आया, क्या आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। आप उस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए